Yusuf mu ya? यूसुफ मियां, बीवी बच्चों को बुला लें जयपुर से, हाँ? बच्चे याद आते हैं। कैसी तबीयत है इनकी? हकीम साहब तो रोज आके देख जाते हैं, लेकिन कोई खास फायदा नजर नहीं आता। अरे यूसुफ कहाँ चले? यूसुफ, यूसुफ, बाहर मत जाने दिया करो इन्हें। मुझे तो डर ही लगा रहता है। अपने पास रख लेता, लेकिन आरिफ के दोनों बच्चे हुसैन और बाकर को भी बुलाया है। अब वो भी मेरे साथ रहेंगे, इसलिए तो ये रुपए रख लो, काम आएंगे। हुजूर, घर पे हाजिर हुआ था, खबर मिली आप यहां हैं। क्या हुआ? एक बुरी खबर है हुजूर। उस्ताद ज़ौक इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो चलो।
इस चमन से झाक अपनी बला से बाद सबा अब कभी चले लाई हयात आए ग़ज़ले चली चले अपनी खुशी न आए ना अपनी खुशी चले आम मीठे भी हों और बहुत हों। आम के दवा मिल भाई हकीम साहब एक आम तो चख लीजिए। जी नहीं, मैं एक भी नहीं खाता। शुक्रिया, मैं अपने शरबत से। भाई मिर्जा जी, तुम्हारा दीवान तो बहुत मकबूल हो गया है। सुना है लखनऊ में दूसरे शाह की तैयारियां हो रही हैं। नवाब बाजिद अली शाह सुना है अशर्फियों में तुलवा रहे हैं उसे। हाँ, वो तो अच्छा कर रहे हैं। वैसे तुलवा के दीवान वो रख लें, अशर्फियां मुझे भेज दे तो। भाई मुफ्ती साहब, आपने आम की मेहंदी खूब लगाई है दाढ़ी में। भाई मुफ्ती साहब, आप पे बुढ़ापा ना आया। आपके बाल अब भी उतने ही सफेद हैं जितने जवानी में थे। आमाल के बावजूद काले न हुए। भाई मिर्जा, वो बादशाह सलामत के सामने जो गुजारिश पढ़ी थी तुमने, वो हमें लिख दो। अरे याद नहीं है। भाई क्या है वो, हम भी सुने। अजी बहुत उम्दा थी। अरे कुछ नहीं हाजी साहब, किले का दस्तूर है कि मुलाजिमों को तनख्वाह साल में दो बार मटेगी। जी, लिहाजा हमें भी छमाही तनख्वाह मिलेगी। भाई रोजमर्रा की जरूरियात का क्या होगा, फिर वही महाजन और महाजन का सूद। तो हमने बादशाह से एक गुजारिश की। जी अजी साहब, वहीं के वहीं फिलबदी कह के पढ़ दिया, हमें लिखने तक की मोहलत न दी। मैं फरमाया क्या, जरा हम भी तो सुने। अब सारे अशार तो याद नहीं है, कुछ इस तरह था कि ऐ शहंशाह आसमां और अंग जहांदार आफताब आसार, पार नौकर भी हो गया सद शुक्र, निस्बतें हो गई मुशख्खस चार। क्या था, क्यों न हो दरकार मुझे पोशिश, जिस्म रखता हूँ है अगरचे बार। भाई याद नहीं है मुझे। मिर्जा अल्लाह तुम्हें नेकी दे, वो भूल गए तुम। हाँ, रस्म मुर्दा की है छमाही एक, खल्क का है इसी चलन के मदार। वाह, देखो तुम बकायदे हयात और छमाही हो साल में दो बार। कुछ खरीदा नहीं अब की साल, कुछ बनाया नहीं अब की बार, रात को आग और दिन में धूप, भाड़ में जाए हैं ऐसे लैलो नहार। बस के लेता हूँ हर महीने कर्ज और रहती है सूद की तकरार, मेरी तनख्वाह में तिहाई का हो गया है शरीक साहब। आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह, ता न हो मुझे जिंदगी दुश्वार। सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। और बादशाह सलामत ने फौरन अर्जी मंजूर कर दी। अच्छा जी, खूब कर बहुत। अरे भाई ये कहाँ से। अरे भाई जान, इसे आप उधर की गली से ले जाइए,
क्यों सबको उठवाना चाहते हैं? मिर्जा, अब कुछ देखा आपने? गधे ने आम सूंघकर छोड़ दिया। मिर्जा, आम तो गधे भी नहीं खाते। जी, गधे हैं जो आम नहीं खाते। क्या की कैसी चिपकी, कैसी चिपकाई है। आदाब हुजूर। आदाब अस्कलू मियां। आदाब हजरत। आदाब। आदाब। आदाब असद भाई। आदाब। कहो कैसे आना हुआ? असद भाई, आप तो शाही दरबार तक पहुंच गए हैं। जरा बादशाह सलामत से कहिए कि हमारी पेंशन का फैसला तो करवा दे। वो मामला उनके हाथ में नहीं है शम्स। तो उनसे कहिए कि रेजिडेंट से कहलवा दे। ये सारा मामला विलियम फ्रेजर के हाथ में है। अगर वो चाहे तो एक दिन में फैसला करवा सकता है। देखो शम्स, तुम्हारे कहने से मैं कलकत्ता तक गया और खामखा खार हुआ। अब वो मामला मैं हरगिज नहीं उठाना चाहता। हाँ, मुझसे कोई माली मदद दरकार हो तो मैं तैयार हूं। ठीक है, विलियम फ्रेजर से मैं खुद ही मिलूंगा। खुदा हाफिज। अच्छा हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल्लू मियां जी, ये जो खत है मुंशी जवाहर सिंह जौहर के नाम, इसे तो कल सुबह ही सुपुर्द डाक कर देना। बाकी कल जब लिफाफे बन जाएंगे तब भेज देंगे। कागज मैंने काट दिया है, कल दोनों बैठ के गोंद से चिपका देंगे। जी अच्छा हुजूर। अजीजम जवाहर सिंह जौहर, मुझे टोपी की हाजत नहीं, अलबत्ता रेशमी लुंगी चाहता हूं जैसी पेशावर और मुल्तान में बनती हैं। लेकिन ऐसी लुंगी हो कि उसके रंग शोख और अंगुश्त नुमा ना हो, हाशिया सुर्ख ना हो, काम अगरचे नाजुक और नफीस हो लेकिन सोने और चांदी के तार उसमें सर्फ ना हुए हों। अब रेशम सियाह और सब्ज और खाकस्तरी और जर्द तलाश करें और मुहैया करके डाक से मुझे भेज दें, और कीमत भी लिखें। अगर कीमत नहीं लिखेंगे तो मैं नहीं लेने का। लुंगी के भेजने में तवक्कुफ और कीमत के लिखने में तकल्लुफ ना किया जाए। असदुल्लाह खान गालिब। अयाज मियां जी, जरा दुकान का ख्याल रखना। जी, मैं बस गया और आया। अगर मिर्जा गालिब आ जाए तो रुकने को कहना, मैं उन्हीं की तलाश में जा रहा हूं। ठीक। बीवी सुनो। तस्लीम अर्ज करती हूँ हाजी साहब। तस्लीम, मिर्जा है घर पे? अजी कहाँ, सुबह सवेले ही निकल जाते हैं तैयार होके। बादशाह सलामत किले में जो बुला लेते उन्हें, सलाह मशवले की जरूरत पड़ती होगी उन्हें। भाई वहाँ तो रसाई है नहीं हमारी। दोपहर का खाना खाने तो गालिबन घर पे ही आएंगे ना? हाँ, दोपहर को तो जरूर आएंगे। बादशाह सलामत ने बेसी लोटी जो भेजी है उनके लिए, शाही खादिम खुद आए थे देने के लिए। भाई उनसे अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अयाज मियां जी, ये सारा बाजार बंद हो गया, क्या हुआ? होना क्या है मीर साहब, ये अंग्रेज वबा की तरह फैलते जा रहे हैं हमारे मुल्क में।
ये ताजिर और सौदागर नहीं है मीर साहब, ये शैतान के कारकुन है, शैतान के कारकुन। लगता है धीरे धीरे हिंदुस्तान में घुन लगता जा रहा है, दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं हमारे मुल्क में ये लोग। कभी सूरज को ग्रहण लगते हुए देखा है आपने? बिल्कुल वही हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। और हुआ क्या अजी? ये भी कोई बात हुई, जब जी चाहा किसी को पकड़ लिया, जब जी चाहा किसी को गिरफ्तार कर लिया। आखिर ये लोग होते कौन है? किसे गिरफ्तार कर लिया? अपने नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कलकत्ता ले गए और मटिया ब्रिज में उन्हें नजर बंद किया है। पर गिरफ्तार किसने किया? अंग्रेजों ने, और किसने मेरे साथ? भाई मैं पूछ रहा हूँ, गिरफ्तार करने वाले सिपाही कौन थे? अपने हिंदुस्तानी थे मीर साहब। और उन हिंदुस्तानियों को शर्म नहीं आई नवाब साहब को गिरफ्तार करते हुए, उन पे हाथ डालते हुए? उनका जमीर मर गया था। ना को मेरी ना ही बदाना, ना को मेरी ना ही बदाना, सकल संग हमको बन आई, बिसर गई सब साथ पराई, बिसर गई सब साथ पराई। लीजिए हुजूर, सुना है किसी पठान ने मारा है उसे। नहीं, मैं जानता हूं विलियम फ्रेजर को किसने मारा है, वही होगा, जरूर वही है। कौन है हुजूर? है एक नवाब, एक लुटा हुआ पिटा हुआ नवाब। अल्लाह, मिर्जा साहब, मिर्जा साहब आदाब। एक बड़ी बुरी खबर है, हाजी जी ने मुझे आपके पास भेजा है बताने के लिए। नवाब शमसुद्दीन को आज सुबह ही कश्मीरी दरवाजे के बाहर फांसी दे दी गई। और आप खुदा के लिए बाहर मत निकलिएगा, बाहर दंगा हो रहा है, तमाम शहर में गोलियां चल रही हैं। आप घर तशरीफ ले जाइए, खुदा हाफिज। का दिन था, हर तरफ सवारों के दौड़ने और प्यादों के पहुंचने का शोर मच गया। अंग्रेजों के कत्ल के बाद बागियों ने शहर में जा बजा डेरे डाल दिए, किले में बागे शाही को अपने घोड़ों का अस्तबल बना लिया। बादशाह ना इतने बड़े लश्कर को काबू में रख सकता था, ना उसका इंतजाम कर सकता था, लिहाजा खुद लश्कर के काबू में आ गए। लड़ाई शुरू हो गई, रात दिन पत्थरों की तरह गोले बरसने लगे। अंग्रेजों का लश्कर शहर में दाखिल हुआ तो लोग बिला इम्तियाज कत्ल होने लगे,
शहर में जो बागी रह गए थे उन्होंने मुकाबला किया। 3 रोज तक कश्मीरी दरवाजे से लेकर चांदनी चौक तक मैदान जंग बना रहा। शहर के तमाम मकान और दुकानें बंद हो गई थीं, सामान खुर्दनोश खत्म हो गया। मैं बरसा तो चादर तान कर लोगों ने पानी जमा किया। चार माह और 4 दिन के बाद अंग्रेज दोबारा दिल्ली पर काबिज हो गए। उनके लश्कर रात रात भर गश्त किया करते थे। कौन है? कौन है कल्लू? जी पता नहीं हुजूर, मैं देखता हूँ। नहीं ठहरो ठहरो, मैं भी आता हूँ।